सीमांचल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं हूं इमरान और आज किशनगंज की गांव मोहल्ला से जानेंगे लोगों की चुनावी मूड। लोगों के बीच में अभी भी एक तरह से पेच फंसा हुआ है क्योंकि यहां पे कैंडिडेट सही रूप से तैयार नहीं हुआ है और आप के बीच आज खबर सीमांचल इसी मुद्दे पर लोगों की राय जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना सड़क ना कोई सो सामान का ठा ठिकाना यानी कि यहाँ पे अब तक कुछ नहीं बना है ना। कब कब हमारे सामने कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं है। जी जी, क्या बनाएंगे? कोई सोच नहीं बनाया अब तक? अभी तक नहीं, क्योंकि कैंडिडेट नहीं है हमारे पास। अभी जो आप यहाँ पे वोट करेंगे तो पार्टी को देखेंगे या फिर कैंडिडेट को? कैंडिडेट को देखेंगे जी। यानी कि कैंडिडेट आप लोगों के लिए मस्ट होगा? हम मस्ट। अब तक हम लोगों का सोच, हमारा ग्राम का सोच यही है कि हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। कांग्रेस को? तो यानी कि दिल्ली की सत्ता पर आप लोगों का नजर रहेगा? बिल्कुल, ये कोई भी पार्टी से हो, अच्छा कैंडिडेट होने से ही उसी को वोट देंगे। बदलाव हुआ है कैंडिडेट के चलते, ये अच्छा कैंडिडेट अभी तक नहीं आया है जी। और अच्छा कैंडिडेट को चुने नहीं आदमी, इस बार चुनेंगे और उसी को वोट देंगे। सोच तो अभी नहीं बनाए, मगर बनाना होगा जी। जो अच्छा होगा, विकास का काम करेगा जी। पार्टी से कोई मतलब नहीं, जो विकास का काम करेगा उसी को वोट करेंगे। उसी को वोट करेंगे हम, थोड़ा बहुत। और इससे बेहतर बदलाव चाहते हैं? हाँ। तो यानी कि आप लोग जो वोट करेंगे सिर्फ कैंडिडेट के आधार पर? कैंडिडेट के आधार पर, विकास के आधार पर जी। पार्टी आप लोगों के लिए कोई मस्त नहीं? कोई मस्त नहीं। क्या